क्लास मेरी आवाज आ रही है? क्लास यस सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो गौतम, कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हुआ सर, स्टार्ट करते हैं क्लासेस। एक दो मिनट और को तो बच्चे और आ जाते हैं।
आवाज आ रही है। मेरी गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है? यस सर। अराधु की आवाज मुझे भी मस्त नहीं आ रही। आप लोग की आवाज मेरे पास नहीं आ रही। हेलो सर। अब आ रही है। चलो यार हम स्टार्ट करते हैं। एक बार प्रॉब्लम जस्ट अ मिनट। हेलो सर। यस सर। सब कुछ यार, तो आज हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है? पहला लेक्चर है और हमारे पास न्यू टॉपिक है। क्या बोलेंगे उसको? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्लियर है क्या मेरी बातें? अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, ये जे डबल ई में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर एक साल क्या होता है, इसका आता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग कहीं भी जाओगे तो इससे क्वेश्चन क्या आते हैं, अक्सर एक्स्ट्रा ही आते हैं। तो आओ बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अक्सर एक कंपाउंड देखे होंगे जो हमारे पास होता है, K4 Fe CN6। क्या आपने ऐसे कंपाउंड देखा है? क्या ऐसे कंपाउंड देखा गया, K4 Fe CN6? बताओ, यस सर। देखा होगा। तो ऐसे ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किस किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होने के कारण हमको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। क्या बातें क्लियर है? याद रखो, जहां भी आपको ये डब्बा वाला मिल जाए, ये डब्बा वाला मिल जाए, और इस डब्बे में आपको ऐसे कुछ दिया हो कि हाँ, ये डब्बे के अंदर कुछ मेटल दिया हो और लिगेंड दिया हो, तब हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्लियर है क्या? देखो, यस सर। सर बिना डब्बे के भी हो सकता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बिना डब्बे के ना, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड जो मेथड है ना, डब्बे वाला ही है, कि डब्बे वाला से डायरेक्टली हम पहचान लेंगे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। क्लियर है? अब जैसे कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, उसमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जो होता है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल होता है, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम मेटल होता है। तो वह जिस बीच से जुड़ा होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट। कंपाउंड। वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। ठीक है क्या? आप, मैं बता रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा होगा, ध्यान से देखो। आपने यह देखा होगा, एक चीज देखे होंगे आप लोग, जैसे कि ध्यान से देखो, हमने यह जानते होंगे कि हमारे पास, मान लो कि हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। मान लो कि हमारे पास NaCl है। क्या है? NaCl है। NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा? Na+ बनेगा और Cl-. Cl- बनेगा। क्लियर है बातें? Na+ बनेगा और क्या बनेगा? Cl- बनेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो Na+ है और Cl- है, तो जब भी जहां भी प्लस और माइनस बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। अब मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो CH4 है। तो CH4 को हम लोग क्या करते हैं? क्या कुछ ऐसे लिखते हैं? क्या ऐसे लिखते हैं? तो जो हमारे में NaCl है ना, कि जो NaSodium है, अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, क्योंकि तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 9 इलेक्ट्रॉन होता है और
इसके कितने होते हैं? सोडियम के आउटरमोस्ट में वन इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के साथ होते हैं, तो क्या करता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है ताकि यस उसके सर, आउटर मोस्ट कितने हो जाए, 8 हो जाए, और ऐसे क्लोरीन चाहता है कि उसके एक में एक्स्ट्रा आ जाए तो उसके 8 हो जाए। तो इस हिसाब से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन ले लेता है। तो जब भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, तो उससे कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड क्या कहलाते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है तो ऐसे ऐसे बॉन्ड क्या कहलाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है? कोवैलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इसी में एक और चीज आता है, इसी में एक और चीज आता है। देखो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास सी एन नेगेटिव है। क्या है? सी एन नेगेटिव है, और यहाँ पे आयरन 2+ है, आयरन 2+ है। तो आयरन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, बताना जरा एक बार, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यस और सर, सी एन दो। के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये सी एन क्या करता है कि आयरन को अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, और इसे लेता कुछ नहीं है, केवल और केवल सी एन देता है। तो सी एन देने वाला और आयरन लेने वाला, इसमें यही कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, सी एन देने वाला और आयरन लेने वाला। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है ना, इलेक्ट्रॉन देता है, इसको बोलते हैं डोनर एटम। क्या बोलते हैं? डोनर। डोनर एटम। क्या बोलते हैं? डोनर एटम। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एटम। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एक्सेप्ट एटम। क्लियर है क्या? यस अब सर, देखो यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो दो इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम क्या बोल सकते हैं? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। जब भी एक लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एक लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। जो देने वाला होता है उसका एक और नाम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? लिगैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लिगैंड बोल देते हैं। क्या बातें? क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? कोई डाउट है? गुरमनन, तो मेरी बात, मेरी आवाज आ रही है गुरमनन? गौरव, युवराज? यस सर, आ गया सर। गुरमनन, तो मेरी आवाज आ रही है? कोई नहीं। अब देखो हम बात करते हैं ये क्या होता है। जैसे कि ध्यान से देखो, हमारे पास जो होता है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसको तोड़ता हूँ कैसे समझेगा। जो K4 है, K4 Fe CN 6 जो है ना, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? कुछ ऐसे बनता है, 4K+ बनता है। और क्या बनता है? और डब्बे में जो है, डब्बे में वैसे का वैसे रहता है। डब्बे में क्या होता है? वैसे का वैसे रहता है। और यहाँ पे 4- हो जाएगा, 4+ हो जाएगा और 4- हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं? टूटते हैं। तो इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसको बोलते हैं फेरोसाइनाइड। इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसको क्या बोलते हैं? फेरोसाइनाइड। क्लियर है बातें मेरी? यस सर, पता है क्या? मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, मान लो कि हमारे पास कोई कंपाउंड है। ध्यान से देखो, हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? K4 Fe CN6, ये हमारे पास कंपाउंड है। जब आप इसको पानी में डालोगे तो पता है क्या हो जाएगा? 4K+ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? Fe CN6 4- हो जाएगा। तो पता है क्या, जब तक पानी में नहीं डालोगे तब तक ये नहीं टूटेगा, लेकिन जब पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा, अपने आयन से टूट जाएगा। पहली बात देखो, डब्बा वाला नहीं टूटता, डब्बा वाला ऐसे ही रहेगा और ये किनारे वाला अलग हो जाएगा, ठीक है? डब्बा वाला ऐसा ही रहेगा, किनारे वाला, डब्बा को फिर से नहीं टूटना है, डब्बा अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है। क्लियर है मेरी बात? अमर जी, यस सर। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, क्लियर है? तो एक होता है होमोलेप्टिक कंपाउंड और एक होता है हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड। तो मैंने बोला था, मैंने यही बोला था, ध्यान से देखो, मैं अभी बातें बताता हूँ, इसका फोटो बनाता हूँ, फोटो कैसे बनेगा। तो देखो फोटो कैसे बनेगा, तो डब्बे वाले का फोटो अलग बनेगा और बाहर 4+ वाले का अलग बनेगा। तो सबसे पहले मैं डब्बे वाले का फोटो बनाता हूँ। तो डब्बे वाले का देखो, यहाँ पे आयरन आएगा 2+ में, और सी एन कितने है? सी एन टोटल 6 है। सी एन माइनस और सी एन माइनस, कुछ ऐसे है। क्लियर है क्या?
क्लियर है। अब देखो सर होता क्या है, 5 क्या हुए सर। 5 में, चलो सीएन माइनस 6 हो गए। यस सर। सीएन माइनस के पास दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब क्या करते हैं इस आयरन को दे देते हैं। और याद रखना एरो मार रहा है, एरो है ऐसे, ठीक है। सब के सब क्या किया, आयरन को दे दिए। अब ये बताओ आयरन पे 2+ है, बाकी सब पे माइनस है, तो 2+ और 6- टोटल ओवरऑल कितना आ जाएगा, क्या 4- आ जाएगा क्या। यस सर। और यहाँ पे 4K+ हो जाएगा, यही इसका फोटो होता है, यही इसका क्या होता है, फोटो होता है, वो वापस होता है। तो जो यहाँ पे सीएन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। और जो आयरन है ना, उसको बोलते हैं लोग सेंट्रल मेटल एटम। आयरन को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल, ये मेटल डाउट एंड है, कुछ डाउट है तो बताओगे। सर सीएन अपना इलेक्ट्रॉन पूरा दे देता है। यस हाँ सीएन अपना इलेक्ट्रॉन पूरा, कोई प्रॉब्लम। तो सर बॉन्ड बना रहेगा। हाँ बॉन्ड तो बना रहा है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ओनली दो ही इलेक्ट्रॉन देता है, दो पेयर ओनली, दो ही देता है और ज्यादा नहीं देता उससे। कितना देता है, दो। दो तो आप बताओ एक सीएन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, दो। टोटल कितने सीएन है, 6 छः है, तो टोटल इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 12। 12। क्लियर है मेरी बात। यस सर। यहाँ पे किसी कुछ डाउट, कोई डाउट नहीं। अगर ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास जो लिगेंड या ना लिगेंड, अगर एक ही टाइप का लिगेंड होगा, एक ही टाइप का मतलब केवल सीएन है, 6 के 6 क्या है, सीएन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक होमोलैक्टिक। कॉम्प्लेक्स। गुड मनंत, मेरी आवाज आ रही है, गौरव, युवराज, आयुष, यस सर। समझ आ रहा है आप लोगों को। यस सर। अगर मान लो एक ही टाइप का लिगेंड हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, होमो होमोलेप्टिक होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे, होमोलैक्टिक। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है क्या। यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, होमोलेप्टिक हमने कॉम्प्लेक्स बोल दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, अब बात करते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में। तो अब बताओ जो डब्बे के अंदर जो मेटल होता है, मेटल उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल मेटल एटम। और इसके अलावा बाकी सब क्या होता है, बाकी सब क्या होता है बताओ, लिगेंड होता है, बाकी सब क्या होता है, लिगेंड। लिगेंड होता है। क्लियर क्या मेरी बात है, क्लियर यस सर। है। तो अब ये बताओ, यह तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, और ई एम हमारे पास क्या है, लिगेंड है, और क्लोरीन भी क्या है हमारे पास, लिगेंड है। तो इस हिसाब से हमारे पास दो अलग अलग वेराइटी के लिगेंड है। जब दो अलग अलग वेराइटी के लिगेंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट है क्या किसी, कोई नो सर। डाउट नहीं है ना। अब आओ कुछ बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, किसकी बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी की। आओ देखते हैं टर्मिनोलॉजी क्या होता है। अब मान लो कि हमें कोई भी कुछ भी बना लिया, हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे कुछ कोई चीज बना रहे हैं। मान लो कि हमारे पास ये है Cu, NH3, F4 और यहाँ पे SO4। क्या यह कॉम्प्लेक्स है, क्या कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या बोलो, कोऑर्डिनेशन यस सर। कंपाउंड है। अब ध्यान से देखो, हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास Cu है ना, Cu इसको बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम मेटल बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। देखो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो जो NH3 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड, होमोलॉजी। लिगेंड बोलेंगे, लिगेंड, क्या बोलेंगे, लिगेंड। और सबके सब सेम लिगेंड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक लिगेंड बोलेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात है, क्लियर यस सर। है। अब ये बताओ जो हमारे पास ये NH3 है, इसकी संख्या कितनी है, कितनी संख्या है NH3 की, 4 है ना, यस सर। 4 है ना। इसको बोलेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोलेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर क्लियर है क्या, क्लियर है। अब देखो जो भी डब्बे के अंदर होगा, जो भी डब्बे के अंदर होगा, क्या है हमारे पास, Cu NH3 पे 4, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। दिख रहा है क्या आपको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो भाई। यस सर। हाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे।
और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर, क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर। ये तो एक बार जरा फटाफट नहीं कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो फटाफट, थोड़ा सा काफी ज्यादा काम आएगा। लिख रहा हूँ सर। मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूँ, आप देख सकते। हो गया सर। हो गया, कुछ डाउट है, कोई नो सर। सर सेंट्रल डाउट मेटल, नहीं, सर बस मेटल ही होता है। बस मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ओनली मेटल होता है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। है। और ये हमारे पास हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हो गया आयनाइजेशन स्फीयर आपने देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देख लिया, लिगेंड देख लिया, और भी कुछ प्रॉब्लम होता होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, तो किसका निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, और फिर पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निकालेंगे। क्लियर है क्या। अब देखो हमारे पास, ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है Fe(CN6) और यहाँ पे 4- दिया हुआ है। अब हम इस पे बताओ आप, हम किसका कोऑर्डिनेट, हम किसका निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का। और कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज कभी कभी निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आप उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, क्या मान लो, एक्स मान लो, और फिर प्लस कर दो। आप बताओ एक सीएन पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है ना, यस सर। तो टोटल 6 है, तो कितना आएगा, 6 से -1 में मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। और यस फिर सर। इक्वल लगा दो। अब इक्वल के बाद जो भी इस डब्बे के ऊपर चार्ज आएगा ना, वो आप लिख दो, कितना है, -4 है ना, -4 है, तो x -6 = -4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा, तो 6 + -4 कितना आएगा, 2 आएगा ना। यस तो आप सर। बताओ आयरन पे कितना चार्ज आया, क्या प्लस +2 आया क्या, यस सर। +2 आया क्या, +2 आया। अब दूसरा देखते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास एक और है, हमारे पास एक और है, एक और क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे दिया हुआ है CONH6 पे 3। ध्यान से देखो, CONH NH NH6 पर 3, NH6 पर 3। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या देख, क्या बात इसमें देखना है। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, तो हम कोबाल्ट को क्या एक्स मान लेके, यस एक्स मान ले, अब NH3 को हम लोग क्या मान ले, NH3 का पता है क्या, NH3 पे जो चार्ज होता है 0 होता है, कितना चार्ज होता है, 0 होता है, सर। कोई चार्ज नहीं होता है। और ये बताओ ओवरऑल चार्ज इस डब्बे पे कितना है, +3 है ना, प्लस जी थ्री है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, +3 आएगी क्या, यानी कोबाल्ट पे चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा, बोलो कोई डाउट सर। है। आप बताओ कि हमें सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज निकालने के लिए हमें किसका पता होना चाहिए, सबसे पहले जो लिगेंड है उसका पता होना चाहिए, लिगेंड सर है उसका पता होना चाहिए। आप बताओ कि अभी इसके पहले सीएन था, सीएन पे -1 था, आपने को पता था क्या, आपको पता था क्या NH3 पे 0 होता है, नो सर। नहीं पता था ना। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, CO पे पता है क्या होता है, CO पे, CO पर भी, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें ना, इस पे भी क्या होता है, 0 ही होता है, क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है क्या। तो यस आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, किस पे 0 होता है, किस पे प्लस होता है, किस पे माइनस होता है, और किस पे कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि किस लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है, समझ गए, समझ सर। गए। अब देखो इस लिगेंड का नाम भी लिखना सीखना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, नाम लिखना, क्या सीखना पड़ेगा, नाम लिखना। तो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड अभी बताऊंगा क्या होता है, कि मान लो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे है,
मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, हमारे पास कुछ ऐसे है FE CN CN। तो आप बताओ, एक जो हमारे पास CN है, क्या वह एक एरो दे रहा है क्या, यानी एक लोन पेयर दे रहा है क्या इसे, बताना यस सर, जरा। यस सर, एक लोन पेयर दे रहा है, तो इस CN को हम लोग बोलेंगे मोनोडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनो, मोनो डेंटेट। एक होता है यहाँ पे, मान लो आयरन हमने प्लस बना दिया। एक होता है इथिलीन डाइएमीन। तो इथिलीन डाइएमीन का फोटो देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, इथिलीन बना देंगे, NH2 CH2 CH2 और NH2। यह इथिलीन डाइएमीन का फोटो है। किसका फोटो है? इथिलीन डाइएमीन का। अब ध्यान से देखो, मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूँ पहले को, ऊपर वाले को मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो अब मान लो इस इथिलीन डायमिन में क्या है, लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। तो अब बताओ, यह जो नाइट्रोजन वाला लोन पेयर, क्या इस आयरन को दे सकता है? और नीचे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यह भी क्या कर सकता है, आयरन को दे सकता यस है। तो आप बताओ, यह जो नाइट्रोजन है हमारे पास, क्या दो साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या? यस सर, जब दो साइड से इलेक्ट्रॉन देगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाई डेंटेट बोलेंगे। अगर एक साइड से कोई एक ही इलेक्ट्रॉन देता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, मोनो डेंटेट बोलते थे। क्या बोलते थे? मोनो डेंटेट बोलते थे। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन देने वाले हो जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई डेंटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो भाई, क्या बोलेंगे हम लोग? बाई डेंटल। बाई डेंटेट, बाई डेंटेट बोलेंगे। अगर मान लो तीन जगह से इलेक्ट्रॉन मिलता तो ट्राई डेंटेट, डेंटल अगर चार जगह से इलेक्ट्रॉन मिलता तो टेट्रा डेंटेट, डेंटेट पांच जगह से मिलता तो पेंटा डेंटेट, और छह जगह से मिलता तो हेक्सा हेक्सा डेंटेट। डेंटेट। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या यस सर, डन है? किसी को कुछ दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम? किसी को नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये मोनोडेंटेट सीखेंगे क्या होता है, बाइडेंटेट सीखेंगे क्या होता है, ट्राइडेंटेट। अब सबसे पहली बात है ना, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और भी थोड़ा सा कुछ थ्योरी वगैरह देख लेते हैं। तो देखो, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन, जो यहाँ पे -4 लिखा हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। जो यहाँ पे -4 लिखा हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर है? क्लियर है। अब बात कर लेते हैं लिगेंड की। किसकी बात कर लेते हैं? लिगेंड की। आप बताओ लिगेंड क्या होता है, क्या होता है लिगेंड, बताना जरा एकदम। हाँ, जो सेंट्रल मेटल एटम के साइड में रहता है। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, लिगेंड लिगेंड बोलते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड लिगेंड बोलते हैं। और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो अब यहाँ पे क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम के, जो सेंट्रल मेटल एटम के क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड लिगेंड। बोलते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट देखो, क्या इसकी खासियत है। द एनायन केटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, द एनायन केटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच कंबाइन विथ द सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड एज लिगेंड। द एनायन केटायन, यानी कि देखो जो लिगेंड होता है वो क्या हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, और यानी कि कटाइन पॉजिटिव माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। क्लियर है? लेकिन उसकी खासियत क्या होनी चाहिए कि वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको देगा, सेंट्रल मेटल एटम को देगा। क्लियर है क्या? यस सर, अब देखो, दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसी को हम इसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस बोलते हैं। विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू इट्स डेंसिटी। मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट बोलेंगे। यस सर, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो बाइडेंटेट, बाइडेंट बाइडेंट तीन करेगा तो ट्राइड ट्राइडेंटेट, चार करेगा तो टेट्रा, टेट्राडेंट पांच एग्जा और पेंटा छह एग्जा। हेक्सा। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर।
डाउट है तो? कोई डाउट नो नहीं। अब देखो लिखा हुआ नेमिंग ऑफ लिगेंड, इस लिगेंड का नाम क्या होता है, इन सब लिगेंडों का नाम क्या होता है, तो आओ देखते हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे न्यूट्रल लिगेंड की। किसकी बात कर लेंगे? न्यूट्रल न्यूट्रल लिगेंड की। तो सिंपल सी बात, अगर कहीं भी आपको NH3 दिख जाए तो आप उसका क्या नाम बोलोगे? एमीन बोलोगे। क्या बोलोगे? आई मीन एमीन बोलोगे। अगर कहीं भी आपको H2O दिख जाए तो क्या बोलोगे? एक्वा एक्वा बोलोगे। क्या बोलोगे? एक्वा एक्वा बोलोगे। अगर NO दिख जाए तो क्या बोलोगे? नाइट्रोसिल नाइट्रोसिल बोलोगे। क्या बोलोगे नाइट्रोसिल? अगर PH3 दिख जाए तो फॉस्फीन। फॉस्फिन क्या बोलोगे? फॉस्फीन फॉस बोलोगे। अगर PPS3 दिख जाए तो ट्राइफेनिल ट्राइफाइल फॉस्फिन फॉस्फीन। PPS3 दिख जाए तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन। O2 दिख जाए तो डाई ऑक्सीजन। O2 दिख जाए तो डाई डाइनाइट्रोजन ऑक्सीजन। N2 दिख जाए तो डाई नाइट्रोजन। अगर ये मेथेनॉल दिख जाए तो मैथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल। मेथेनॉल दिख जाए तो मेथिल अल्कोहल। CH3NH2 दिख जाए तो मैथिल अमीन हाँ मेथिलेमिन। मेथिलेमिन। अगर ये यूरिया दिख जाए तो यूरिया यूरिया। और NH2, ध्यान से देखो, अगर आपके पास NH2 और NH2 दिख जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? हाइड्राजीन बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइड्राजीन हाइड्रोजन बोलोगे। अगर आपके पास ये ईथर दिख जाए तो क्या बोलोगे? डाई मिथिल ईथर। अगर CO दिख जाए तो कार्बन कार्बोनिल। CO दिख जाए तो कार्बोनिल। कार्बोनियल थायमिन CS दिख जाए तो थायो कार्बोनिल। CS दिख जाए तो थायो कार्बन कार्बोनिल। क्लियर है क्या मेरी बात है? यस सर और भी किसी कुछ डाउट है बताओ भाई? किसी और को भी कुछ डाउट है यहाँ तक? अरे बोलो यार। नो सर नो सर। हाँ ये हो गया। अब उसके बाद आता है केटाइनिक मोनोडेंड्रेट लिगेंड, यानी केटाइनिक। अगर ध्यान से देखो, अगर आपके पास O2+ आ जाए तो O2+ को क्या बोलोगे? ऑक्सीजनियम आयन। क्या बोलोगे? ऑक्सीजन है ऑक्सीजनियम बोलोगे। ऑक्सीजनियम बोलोगे। अगर NO+ आ गया तो क्या बोलोगे? नाइट्रो सीलियम बोलोगे। क्या बोलोगे? नाइट्रो सीलियम बोलोगे। अगर NO2+ आ जाए तो क्या बोलोगे? हाइड्रा जीनियम बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइड्रा हाइड्रा जीनियम जीनियम बोलोगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर NO2+ को हाइड्रोजीनियम बोलोगे, NO+ को नाइट्रोसीलियम बोलोगे, O2+ को क्या बोलोगे? ऑक्सीजनियम बोलोगे। क्लियर है? क्लियर यस सर है। अब आते हैं एनायनिक में। एनायनिक में अगर F- आ जाए तो आप इसको क्या बोलोगे? फ्लोरो फ्लोराइड बोलोगे। F- आ जाए तो, या फिर फ्लोराइडो बोलोगे। देखो फ्लोरिडो, फ्लोराइडो या बोलोगे या फिर फ्लोरो बोलोगे। Cl- आ जाए तो फ्लोराइडो क्लोरो या फिर फ्लोरो। क्लोरो Cl- आ जाए तो क्लोराइडो या फिर फ्लोरो। अगर क्लोरो Br- हो जाए तो क्या बोलोगे? ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो ब्रोमो। I- आ जाए तो क्या बोलोगे? आयोडीडो या फिर आयोडो आयडो। O2- आ जाए तो क्या बोलोगे? ऑक्साइड या ऑक्सीडो ऑक्सो या फिर ऑक्जो। ऑक्सीडो या फिर ऑक्जो। क्लियर है क्या? यस सर जो मेरा शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है, 1 मिनट जो है। क्लियर
अच्छा मेरी आवाज आ रही क्या यार? थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ इशू हो गया अचानक। आवाज आ रही मेरी? रुक जाओ सर। थोड़ा सा यार, कुछ इशू हो गया है, सही नहीं हो रहा। आप 1 मिनट रुक जाओ। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है ना बच्चे सभी को? यस अभी ना एक थोड़ा सा इशू हो गया है कन्हैया सर अभी क्लास में है, शायद उनके इधर थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया, तो अभी बच्चों आपको लीव करके नहीं जाना है क्लास 10 बजे तक। सर। ठीक है सर। हेलो, हेलो, सर।